जितनी भी हमारी बहन बेटी यहाँ पर बैठी हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप सबके माथे पे तिलक है, आप भगवान का भजन करते हैं, आप ईश्वरीय स्मरण करते हैं, अपने गुरु के वचनों में निष्ठा रखते हैं, भाई लोग भी जितने बैठे हैं, आप सभी भारत की माता बहनों से, यंग जितनी भी सिस्टर्स हैं उन सब से एक प्रार्थना करना चाहूँगा। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि सोशल मीडिया पे हिंदू नाम रख रख कर विधर्मी, जिनको बाहरी देशों से पैसा मिल रहा है, उन्हें पैसा ही इस बात का मिल रहा है कि सनातन धर्म की बेटियों को अपने ले आओ, इसके लिए उनको पैसा मिल रहा है। तो हमें अपने माँ बाप के बारे में सोचना है, हमें अपने धर्म के बारे में सोचना है, हमें हमारे कन्हैया के बारे में सोचना है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने फेसबुक आईडी वगैरह पे इन्वॉल्व मत होने दो, उनकी फ्रेंड्स रिक्वेस्ट जो है उसे एक्सेप्ट मत करो जिसे आप नहीं जानते। अगर आपको फेसबुक चलाना है इट्स ओके, लेकिन आप वो सारे लोगों को ही कनेक्ट करें, उन्हीं को एक्सेप्ट करें जिनको आप अपने पारिवारिक तौर पे जानते हैं, और जो अननोन नेम से आ रहे हैं उनको बिल्कुल भी न करें। इसके लिए आप भी जगें और इसके लिए औरों को भी जगाने का काम करें। हम जगें, औरों को जगाएं। ये बाहरी लोग बड़े अजीब हैं, झूठी झूठी प्रशंसा करते हैं, तुम शहजादी दिखती हो, तुम तो हूर दिखती हो, तुम तो परी दिखती हो। हमारी बहन बेटियां बड़ी सॉफ्ट हार्टेड हैं, वो अच्छा हम परी हैं, वो उनसे फिर बात करना शुरू कर देते हैं, और बात कर देते फिर वो परी कहां पड़ी है, बोले वो फ्रिज में 36 टुकड़ों में पतली हुई है। अब वो परी भी खत्म, वो फेसबुक भी खत्म, सब खत्म। तो हमारे यहां कहते हैं जानकारी ही सही इलाज है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना फ्रेंड बनाने से पहले अपने पिताजी की शकल देख लो, अपने माँ की शकल देख लो जिसने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखा। तो प्लीज, ये तुम्हारा गुरु होने के नाते मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि ऐसे किसी भी जल्लाद से डिस्टेंस रखें, भगवान पर विश्वास रखें, आपके लिए उपयुक्त पुरुष आपको अवश्य मिलेगा। जो आपके लिए होगा वो सनातनी होगा, सनातनी से ज्यादा उपयुक्त तो कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो सनातनी 7 जन्म तक निभाता है और विधर्मी इस जन्म में 4 के साथ ही चला जाता है, इसी जन्म में देखते देखते। इसलिए बी सेफ, बी केयरफुल। राधे राधे।